हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हम पढ़ने लगे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे और उसे कैसे मैनेज करेंगे। तो हम पढ़ने लगे थे फॉर्मेट, पढ़ने लगे थे पॉलिसी का कि फॉर्मेट क्या होगा। तो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा, इसके बारे में हम पढ़ने लगे थे। लेकिन थोड़ी देर के लिए समराइज़ कर देते हैं, क्योंकि कई जगह पर कई चीज़ कन्फ्यूजन हट जाता है, ताकि कन्फ्यूजन हट जाए। तो हमने बोला था पॉलिसी जो है स्ट्रेटेजिक लेवल पर होगी। हमने बोला था स्ट्रेटेजिक लेवल, टेक्टिकल लेवल, ऑपरेशनल लेवल, तीन लेवल होते हैं। स्ट्रेटेजिक लेवल का मतलब होता है टॉप मैनेजमेंट, टेक्टिकल लेवल का मतलब होता है मिडिल मैनेजमेंट, और ऑपरेशनल लेवल का मतलब होता है सबसे नीचे लेवल का मैनेजमेंट। और ये आर्मी से कॉन्सेप्ट आएगा। स्ट्रेटेजिक लेवल का मतलब ये होता है टॉप कमांडर जनरल्स बैठते हैं। टेक्टिकल लेवल में लड़ाई फाइट की जाती है, बैटल ऑफ फलां फाइट की जाती है। टेक्टिकल लेवल थोड़ा छोटा होता है। और फिर ऑपरेशनल लेवल होता है नीचे, ऑपरेशनल जो एक्चुअल फाइट हो रही होती है। तो पॉलिसी स्टेटमेंट स्ट्रेटेजिक लेवल में होते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि पॉलिसी जो होती है वो तीन टाइप की पॉलिसी हो सकती है, प्रोग्राम पॉलिसी, इशू स्पेसिफिक पॉलिसी और सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी। प्रोग्राम पॉलिसी पूरे प्रोग्राम की पॉलिसी होती है, इशू स्पेसिफिक और सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी होनी नहीं चाहिए, लेकिन होती है। क्यों होती है? क्योंकि हायर मैनेजमेंट को कई चीज़ों के बारे में ध्यान देना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बैंक है, बैंक में सेंट्रलाइज डेटाबेस है, तो वहाँ पर सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी लगाई जाएगी, क्योंकि वो सेंट्रलाइज डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन के जिंदा रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर पॉलिसी डिसीजन अप्लाई किए जाते हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल पर डिसीजंस अप्लाई किए जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था पॉलिसी के बाद स्टैंडर्ड्स जैसी कुछ चीज़ होती है, स्टैंडर्ड्स होते हैं, वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स इशू होते हैं, वो स्टैंडर्ड्स हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाने हैं। तो वो स्टैंडर्ड्स पॉलिसी और सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि उन्हीं स्टैंडर्ड्स के अनुसार हमें काम करना है। ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वो स्टैंडर्ड्स जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स होते हैं, कंपलसरी होते हैं। वो क्या होते हैं? अडेप्टेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की नीड के। तो वो पॉलिसी से नीचे मान सकते हैं आप, यानी स्टैंडर्ड्स पॉलिसी के नीचे आ जाएंगे। उसके नीचे गाइडलाइंस होंगे, उसके नीचे प्रोसीजर्स होंगे, उसके नीचे प्रैक्टिसेस होंगी। तो अगर कहा जाए कि सबसे ऊपर पॉलिसी है, स्टैंडर्ड्स है, फिर गाइडलाइंस है, फिर प्रोसीजर्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, मतलब एक क्लैरिटी लाने के लिए, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हुआ है और कई बार कई लोगों का फ़ोन आया कि इस कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन हुआ है। तो सबसे ऊपर पॉलिसी है, पॉलिसी के बाद स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस, प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस आते हैं। और पॉलिसी बेसिकली क्या है? पॉलिसी आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होगा उसमें, पॉलिसी में फिर स्कोप होगा, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, फिर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो ये प्रोग्राम पॉलिसी में भी होगा, इशू स्पेसिफिक पॉलिसी में भी होगा, सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी में भी होगा। तो अगर हम इसको समराइज करना चाहें तो ये बोलें स्ट्रेटेजिक लेवल में प्रोग्राम पॉलिसी है। प्रोग्राम पॉलिसी में तीन भाग कर सकते हैं इसको। एक तो स्ट्रेटेजिक लेवल पर पॉलिसी है, पॉलिसी को हम तीन भाग कर सकते हैं, प्रोग्राम लेवल, इशू स्पेसिफिक, सिस्टम स्पेसिफिक। और हर पॉलिसी, भले ही सिस्टम स्पेसिफिक हो, इशू स्पेसिफिक हो, या प्रोग्राम स्पेसिफिक हो, प्रोग्राम पॉलिसी हो, इशू स्पेसिफिक हो, सिस्टम स्पेसिफिक हो, कोई भी पॉलिसी हो, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, इसका स्टेटमेंट बनेगा। इसके स्टेटमेंट के अंदर स्कोप होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव या पर्पस, उसके बाद स्कोप होगा, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, फिर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होगी। ये हम पॉलिसी की बात कर रहे हैं, यानी पॉलिसी होगी, पॉलिसी के टाइप्स की बात कर रहे हैं। पॉलिसी जो सबसे ऊपर होगी, जो सर्वोपरि है, जो स्ट्रेटेजिक है, जो टॉप मैनेजमेंट के विजन को बताती है, वो सबसे ऊपर है। उसको तीन टाइप की पॉलिसीज हो सकती हैं, प्रोग्राम, इशू स्पेसिफिक, सिस्टम स्पेसिफिक। इशू स्पेसिफिक और सिस्टम स्पेसिफिक होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि ऐसा है, सीनियर मैनेजमेंट को कई चीज़ों को देखना पड़ता है, तो उसे इशू स्पेसिफिक और सिस्टम स्पेसिफिक बनाते हैं। तो पॉलिसी जो बनेगी वो तीन टाइप की पॉलिसीज, इनमें से कोई भी बन सकती है। और जब पॉलिसी बनेगी, स्टेटमेंट बनेगी, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव या पर्पस बनेगा, क्या ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव पर्पस को स्कोप में क्रिस्टलाइज कर दिया जाएगा, स्कोप को रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्रिस्टलाइज किया जाएगा, और फिर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो ये तो पॉलिसी थी। पॉलिसी के बाद स्टैंडर्ड्स आते हैं। स्टैंडर्ड्स वैसे सबके पैरेलल हैं, स्टैंडर्ड्स कंपलसरी हैं, स्टैंडर्ड्स चुराए गए हैं, अगर वैसे चुराया नहीं कहना चाहिए, स्टैंडर्ड्स अवेलेबल होते हैं, इसीलिए अवेलेबल होते हैं कि हम ताकि हम उन स्टैंडर्ड्स के अनुसार काम कर सकें।
वो स्टैंडर्ड्स अवेलेबल ही होते हैं, नहीं तो हमें री इन्वेंशन ऑफ व्हील करना पड़ेगा, यानी कि व्हील टेक्निकल टर्म कहते हैं री इन्वेंशन ऑफ व्हील, यानी कि फिर से हम आज की डेट में क्या है आदमी हम जो है हाई टेक्नोलॉजी बना लेते हैं सीधे सीधे, नहीं तो अगर हम शुरू से काम करना स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, पहले आग का आविष्कार करेंगे, फिर व्हील का आविष्कार करेंगे, फिर दूसरी चीज़ों का आविष्कार करेंगे, तो हज़ारों साल लग जाएंगे। तो उसे कहते हैं री इन्वेंटिंग द व्हील नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए ये कह दिया, समझाने के लिए बोल दिया कि स्टैंडर्ड्स जो स्टैंडर्ड जो हम बोल रहे हैं वो चुराए हुए स्टैंडर्ड्स हैं, एड टू मेमोरी। चुराए हुए स्टैंडर्ड्स का मतलब ये है कि बोरोड स्टैंडर्ड्स हैं, बोरोड वर्ड अच्छा है, चुराए हुए नहीं, दैट्स बैड, बोरोड स्टैंडर्ड्स हैं। बोरोड स्टैंडर्ड्स कहाँ हैं, जो रियल स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, उनसे बोरोड हैं ये स्टैंडर्ड, अडेप्टेड हैं स्टैंडर्ड्स, उन्हीं को देख कर हमने स्टैंडर्ड्स अडेप्ट कर दिए हैं। तो ये सेकेंड लेवल पर आएंगे अगर देखा जाए तो, पॉलिसी के नीचे आएंगे स्टैंडर्ड्स, ये कंपलसरी होंगे, पॉलिसी से तो ऊपर कुछ नहीं, पॉलिसी की वजह से ही स्टैंडर्ड्स अडेप्ट कर लिए, लेकिन स्टैंडर्ड कई बार पॉलिसी से भी ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि जब पॉलिसी होती है तो टॉप मैनेजमेंट बैठता है तो कहता है स्टैंडर्ड्स लेकर आओ, और स्टैंडर्ड्स इन्फ्लुएंस करता है, मतलब एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है 70% या 60% कट पेस्ट कॉपी करते हैं वो, क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स प्रोफेशनल्स ने बनाए होते हैं, एक्सपर्ट्स ने बनाए होते हैं, उतनी नॉलेज किसी टॉप मैनेजमेंट के पास नहीं होती है, क्योंकि उनके पास हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज का एक्सपीरियंस होता है, तो वो स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए गए होते हैं, तो वो स्टैंडर्ड्स कई बार स्टैंडर्ड्स लॉ के अनुसार लॉ कह देती है मैंडेटरी है, तो फिर तो स्टैंडर्ड सबसे ऊपर हो जाते हैं, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो अदरवाइज पॉलिसी के नीचे स्टैंडर्ड्स होंगे। स्टैंडर्ड्स कहाँ से होंगे, स्टैंडर्ड्स से आए होंगे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, उसके नीचे गाइडलाइंस होंगे, उसके नीचे प्रोसीजर्स होंगे, उसके नीचे प्रैक्टिसेस होंगे। तो इस तरीके से ये डिवीजन होता है, ये इसलिए बता रहे हैं कि कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि कई बार क्या हो रहा है, पॉलिसी आ रहा है, प्रोग्राम पॉलिसी, इशू स्पेसिफिक, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब चीज़ जो है कन्फ्यूजन हो गया। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये बोला गया, पॉलिसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिसी के नीचे स्टैंडर्ड है, उसके नीचे गाइडलाइंस हैं, उसके नीचे प्रोसीजर्स हैं, उसके नीचे प्रैक्टिसेस हैं, और पॉलिसी के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो क्या हैं, पहले तो पॉलिसी तीन भागों में डिवाइड होती, प्रोग्राम, इशू और सिस्टम। इशू स्पेसिफिक और सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि इशू स्पेसिफिक नज़र डालनी है मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट जहां भी डालेगा वो पॉलिसी बन जाएगी, राजा जहां भी जो भी बोल देता है वो राजाज्ञा बन जाती है, उसी तरीके स्ट्रेटेजिक लेवल का बंदा यानी वहां कंपनी का राजा जो भी बोलता है वो राजाज्ञा या पॉलिसी बन जाती है। तो तीन टाइप की पॉलिसी बन जाती है, प्रोग्राम पॉलिसी, इशू स्पेसिफिक और सिस्टम स्पेसिफिक, और इसका स्टेटमेंट बनता है पॉलिसी स्टेटमेंट, और पॉलिसी स्टेटमेंट डिवाइडेड होता है किसमें, ऑब्जेक्टिव और पर्पस में, सबसे ऊपर ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव को क्रिस्टलाइज करते हैं थोड़ा और छानते हैं स्कोप बन जाता है, स्कोप को और छानते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अच्छा, इतना सारी चीज़ें क्यों होती हैं, इतना सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी के पास मैसिव स्किल नहीं होता है, तो हर एक को कंफर्ट देने के लिए डिवाइड कर दिए गए, और ये डिवीजन कोई ऑर्गेनाइजेशन में ये डिवीजन बहुत हार्ड फास्ट डिवीजन नहीं है, कुछ चीज़ें क्रिस्टलाइज हो गई हैं, जैसे स्कोप स्पेसिफिक होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, जरूरी नहीं है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स पूरी तरह से बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, कन्फ्यूजन होता है कई बार ऑर्गेनाइजेशन में। तो बेसिकली फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि फिर कन्फ्यूजन ना हो, सबसे ऊपर पॉलिसी होगी, पॉलिसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके नीचे स्टैंडर्ड होगा, फिर गाइडलाइंस होंगे, फिर प्रोसीजर्स होंगे, प्रैक्टिस होंगे, पॉलिसी तीन टाइप की होगी, प्रोग्राम, इशू और सिस्टम स्पेसिफिक, पॉलिसी जो होगी वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट बनेगा, पॉलिसी स्टेटमेंट जो होगा पॉलिसी के अंदर हमने बोला स्ट्रेटेजिक लेवल पर है, टॉप मोस्ट लेवल पर है, राजाज्ञा है, मैनेजमेंट की आज्ञा है, तो उसका स्टेटमेंट बनेगा, स्टेटमेंट जो है ऑब्जेक्टिव, स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं पॉलिसी में। तो आप पढ़ते हैं फॉर्मेट फॉर पॉलिसी डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट क्या होगा, हमने बोला कि पॉलिसी होगी, पॉलिसी कई टाइप की होगी, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो पॉलिसी बहुत सारी चीज़ों में फॉर्मेट्स के बारे में हमने बताया था, तो फॉर्मेट्स ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट हम पढ़ते हैं जो हमारी स्टडी में टॉपिक है, और इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना रहा होता है तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अनुसार बनना चाहिए, तो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए फॉर्मेट, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ये फॉर्मेट होने चाहिए अगर आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट को डेवलप कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, पॉलिसी स्टेटमेंट होंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसके स्कोप होंगे, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होंगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव, स्कोप,
रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, ये जैसे मैंने बोला था। तो एक एग्जांपल दिया है हमारी स्टडी में, उसमें ये दिया गया, जैसे पॉलिसी स्टेटमेंट के बारे में दिया गया कि पॉलिसी के कई, पॉलिसी डॉक्यूमेंट का कई फॉर्मेट होगा, उसमें सबसे पहले पॉलिसी का स्टेटमेंट होगा। पॉलिसी का जो स्टेटमेंट होता है वो हाई लेवल स्टेटमेंट होता है, और मैनेजमेंट वो भूल जाता है कि भाई ये हमारा पॉलिसी का स्टेटमेंट है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी स्टडी में एक पॉलिसी का स्टेटमेंट दिया है, उसमें ये लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट ने राजाज्ञा दी थी, एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी थी कि सारे डेटा कम्युनिकेशन, भरी एक्सटर्नल हो वो इंटरनल हो, वो कंट्रोल किए जाएंगे ताकि अनऑथराइज्ड अल्टरेशन, डिस्ट्रक्शन और डिस्क्लोजर नहीं हो डेटा का। तो यानी कि एक स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने, कहा जी डेटा का डिस्क्लोजर नहीं होना है, अनऑथराइज्ड अल्टरेशन, डिस्ट्रक्शन भी नहीं होना है, तो उसको हमें कंट्रोल करना है, और उसको कंट्रोल करने के लिए सारे एक्सटर्नल डेटा कम्युनिकेशन हमें देखने पड़ेंगे। ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट बन जाएगा। तो यानी कि कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आई और हमने पॉलिसी स्टेटमेंट देखा, पॉलिसी स्टेटमेंट हमारे पास ऑलरेडी है, नहीं है तो नया पॉलिसी स्टेटमेंट बनाया और उसमें हमने उसे इनकॉर्पोरेट किया, और अगर पॉलिसी स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट नहीं है तो हमने उसे इंक्लूड कर दिया, अमेंड कर दी पॉलिसी, तो पॉलिसी स्टेटमेंट हमने अमेंड कर दिया। तो उसमें क्या है कि एक एग्जाम्पल दिया है हमारी स्टडी में कि स्टेटमेंट इस टाइप का होगा, लेकिन ये बड़ा स्टेटमेंट होता है, वेग स्टेटमेंट होता है। इसके बाद होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि कंपनी क्या एकम्प्लिश करने जा रही है, चाहती है इस स्टेटमेंट से, पॉलिसी का जो हमने स्टेटमेंट दे दिया उससे क्या एकम्प्लिश करना चाहती है, वो ऑब्जेक्टिव बन जाता है। यानी कि पॉलिसी स्टेटमेंट थोड़ा क्रिस्टलाइज हुआ, यानी पॉलिसी स्टेटमेंट वेग हुआ। राजा ने बोल दिया कि चारों तरफ धर्म की स्थापना हो, लेकिन धर्म की स्थापना क्या हो, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको क्रिस्टलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी स्टडी ये कहती है कि मान लिया एक सूटेबल ऑब्जेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन सिक्योरिटी पॉलिसी का उसने उस हमारी स्टडी में दिया हुआ है, उन ये बोलते हैं कि ये इंश्योर करें कि अप्रोप्रिएट कॉस्ट इफेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनाया जाएगा सारे, और वो सारे डेटा कम्युनिकेशन को अप्लाई किया जाएगा। यानी कि पहले लेवल पर हमने ये बोला कि अनऑथराइज डिस्क्लोजर ऑफ डेटा नहीं होना चाहिए, अल्टरेशन डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाए, कॉस्ट अनऑथराइज डिस्क्लोजर ऑफ डेटा में कॉस्ट इतनी ज़्यादा लगे, उसके उतने बेनिफिट्स ना हो। तो ऑब्जेक्टिव्स में हमने उसे ये क्रिस्टलाइज किया, हमने ये बोला कि कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, सिक्योरिटी मैकेनिज्म सारे के सारे कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए, सारे डेटा कम्युनिकेशन को हम चेक करेंगे, उन्हें कॉस्ट इफेक्टिव बनाएंगे और उन्हें देखेंगे ये एंटरप्राइज के कंट्रोल में आए, और कैसे कंट्रोल में आए, एक कॉस्ट इफेक्टिव मतलब टेक्नोलॉजी जो लगेगी वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंट्रोल में लाने के लिए हमने एक्स्ट्रा कॉस्ट, भयंकर कॉस्ट लगा दी, जितना बेनिफिट हो उससे ज़्यादा कॉस्ट लगा दी। ऑब्जेक्टिव के बाद होता है कि स्कोप आता है। स्कोप ये क्रिस्टलाइज करता है कितने दूर तक पॉलिसी अप्लाई करेगी। तो स्कोप ये कह सकता है हमारी स्टडी में, जैसे फॉर एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो ये कह सकता है कि सारे जो ये पॉलिसी है वो सारे डेटा कम्युनिकेशन को अप्लाई करती है जो एक्सटर्नल जा रहे हैं, यानी जो इंटरनल आ रहे हैं उनको अप्लाई नहीं करती है, जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन आ रहे हैं जा रहे हैं उनको अप्लाई कर रही है। इंटरनल जो कम्युनिकेशन आ रहा है वो तो हमें पता चल ही जाएगा, हर जगह रिकॉर्ड हो जाएगा, वो मेल्स में रिकॉर्ड हो जाएगा और जगह रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन जो एक्सटर्नल जा रहे हैं उन्हीं पर ये पॉलिसी अप्लाई हुई। तो पॉलिसी स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव से एक ऑब्जेक्टिव आया और ऑब्जेक्टिव से स्कोप क्रिस्टलाइज हुआ। इसके बाद हमें क्लियर कट हो जाएगा, हमें राजा राजाज्ञा दी गई, मंत्री ने बोला कि ये ऑब्जेक्टिव है, एक कैबिनेट बैठी उसने कहा ये ऑब्जेक्टिव है, कैबिनेट ने के बाद क्या हुआ है, नीचे कैबिनेट सेक्रेटरी बनी बैठा, उसने स्कोप बनाया कि भाई ये है, क्योंकि राजा तो कुछ भी कह देता है, राजा को जो ठीक लगा उसने कर दिया, उसके बाद स्कोप बनाया कैबिनेट सेक्रेटरी ने। स्कोप बनाने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चालू की। तो यानी कि अगर हम एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट बनाएंगे उसमें पॉलिसी स्टेटमेंट होगा, जैसे कांग्रेस पार्टी जो है अपना एक डॉक्यूमेंट देती है, विजन डॉक्यूमेंट देती है या फला डॉक्यूमेंट देती है, तो वो कहती है कि ये पॉलिसी स्टेटमेंट है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप आते हैं और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी इस किसकी है। तो
आपने पॉलिसी बना दी, ऑब्जेक्टिव बना दिया, स्कोप बना दिया, डिफाइन कर दिया पॉलिसी को, पॉलिसी स्टेटमेंट दे दिया, ऑब्जेक्टिव बना दिया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, तो फिर वो किसी काम की नहीं है। क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा चलता है। अगर मान लिया सपोज क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो दूसरा आदमी कहेगा सर मुझे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं थी, आपने इस काबिल समझा ही नहीं था कि मेरे को, आप तो उसको समझ रहे थे। वो पॉइंट स्कोर करने की कोशिश करेगा। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिकली डिफाइन होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के लिए, इंटरनल ऑडिटर के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट के लिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़र के लिए, सबके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिकली डिफाइन होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर वो स्ट्रक्चर नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं है, तो प्रॉब्लम होने वाली है। जो सबका काम है वो किसी का काम नहीं है, मतलब जो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है फाइनली। उसके बाद स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमारी स्टडी कहती है कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होंगी। हर पॉलिसी की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेटा ट्रैफिक जो आ रहा है, अब जो डेटा ट्रैफिक हमने ही बोला कि बाहर जाएगा, उसको हम मॉनिटर करेंगे, इसको हमने स्कोप क्रिस्टलाइज कर दिया, सारे एक्सटर्नल डेटा कम्युनिकेशन को हम मॉनिटर करेंगे। तो उस एक्सटर्नल डेटा ट्रैफिक जो है उसको हम क्लासिफाई कर देंगे, और उस लेवल पर क्लासिफाई करेंगे जो उसके डेटा ओनर कहेगा। जैसे सेल्स वाला बंदा है, सेल्स वाला अपने डेटा को क्लासिफाई कर देगा, फाइनेंस वाला अपने डेटा को क्लासिफाई करेगा। तो इसके लिए एक इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन पॉलिसी होगी, और ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है। मतलब इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन पॉलिसी बनाई और उसमें ये क्लासिफिकेशन डिफाइन कर दिया आपने कि डेटा ट्रैफिक की ये क्लासिफिकेशन है। तो वो इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन पॉलिसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हो गई। तो हमारी स्टडी में कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे सबसे पहले ये दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट होता है। तो जनरली क्या होता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट तब अवेलेबिलिटी होती है जबकि आपको नीड होती है, नीड डिमॉन्स्ट्रेट करनी पड़ेगी, यानी आपको बताना पड़ेगा ये नीड है और कंटिन्यूड यूजफुलनेस है इसकी, तभी आपको इंटरनेट का एक्सेस दिया जाएगा। और उन्हीं बंदों को, इंडिविजुअल्स, एम्प्लॉयज़ रिसोर्सेज को इंडिविजुअल दिया जाएगा जिन जो इस जेन्युइन बिजनेस नीड को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। यानी कि इंटरनेट बंद है केवल तब दिया जाएगा जब जेन्युइन नीड हो। उसके बाद यह है कि अगर मान लिया इंटरनेट दिया हुआ है, कई जगह पर इंटरनेट अवेलेबल होता है, तो इंटरनेट तभी केवल अगर मान लिया कई कंपनी के कई ऑफिसेज हैं और इस वजह से इंटरनेट दे रखा है, तो इंटरनेट कनेक्शन केवल जो कंपनी के एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम्स हैं उनको डाउनलोड करने के लिए दिया जाएगा। मतलब एक्सेप्शंस हो सकते हैं, एक्सेप्शंस पॉलिसी स्टेटमेंट दे देगा कि भाई आईटी स्टाफ को दिया जाएगा जहां पर टेक्निकल मैटर है, या उन्हें कोई अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं, या और दूसरे लोगों को दिया जाएगा, हाई लेवल मैनेजमेंट को दिया जाएगा, या पर्टिकुलर बंदों को दिया जाएगा, पर्टिकुलर वेबसाइट्स का दिया जाएगा। अगर टैक्स, अगर अकाउंटिंग का बंदा है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखा जा रहा है, इंस्टीट्यूट की साइट जा रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की साइट जा रहा है, वहां से कोई रिसोर्स यूज़ कर रहा है, तो उसको दे दिया जाएगा इंटरनेट का कनेक्शन। उसके बाद कुछ हो सकता है, ये हो सकता है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, ये हो सकता है कि कंप्यूटर जो लैपटॉप दिया जाएगा उसमें लाइसेंस सॉफ्टवेयर डलेगा और वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, अनऑथराइज कॉपी नहीं बनेगी सॉफ्टवेयर की। इस तरह की चीज़ें जो हैं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले पॉलिसी स्टेटमेंट बना जो कि राजा आज्ञा होगी, राजा की आज्ञा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स बने, स्कोप बने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनी, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बनी। उसके बाद आईटी कंट्रोल पॉलिसीज होती हैं। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब ये होता है कि पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप बनाते हो ताकि आपको एक रीजनेबल एश्योरेंस होता है कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट होंगे, एफिशिएंटली मीट आउट होंगे। तो कंट्रोल से ही, कंट्रोल करने के लिए ही आप पॉलिसीज बनाते हो, कंट्रोल करने के लिए ही उसके बाद प्रोसीजर्स प्रैक्टिसेस बनाते हो, कंट्रोल करने के लिए ही स्टैंडर्ड्स का फॉलो करते हो, और कंट्रोल ही वो चीज़ है जो जिसका जिसकी वजह से आपको रीजनेबल एश्योरेंस होता है कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली मीट आउट हो रहे हैं, टाइमली मीट आउट हो रहे हैं। दूसरा चीज़ ये है कि कोई अनडिज़ायर इवेंट ना हो, मतलब ऑब्जेक्टिव्स इजीली अचीव किए जाएं और अनडिज़ायर्ड इवेंट ना हो।
अनडिजायर्ड इवेंट को प्रिवेंट किया जाए, या हो जाए तो फटाफट उसे डिटेक्ट और करेक्ट कर लिया जाए। तो इसके लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड्स दिए इन हमारी स्टडी की थी, कहती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कई स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं सेंटर फॉर आईटी सिक्योरिटी करके, और वेबसाइट वगैरह का नाम भी देती है कि वहाँ पर उन्होंने कई स्टैंडर्ड्स दिए और कई जो है स्पेसिफिक पॉलिसी दी हैं स्पेसिफिक आईटी प्रोसेसेस की के लिए। तो आईटी कंट्रोल पॉलिसीज़ जो हैं, आईटी के कंट्रोल की पॉलिसीज़ हैं, तो कंट्रोल कहाँ से होगा? स्टैंडर्ड्स होंगे, उन्हीं स्टैंडर्ड्स में आप देखो और उसी स्टैंडर्ड्स जो इशू किए गएंगे और उसी स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करने की कोशिश करो अपने ऑर्गेनाइजेशन में अडेप्ट करके, और साथ ही में आपके पॉलिसीज़ स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर रूल्स ये सारी चीज़ें कंट्रोल को कंट्रोल मेंटेन करने की में आपकी हेल्प करते हैं। तो अगले सेशन में हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी। थैंक्स।